हेलो, हम लोग लॉग पीरियडिक एंटीना को स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक में यहाँ आपके पास जो डिस्प्ले हो रहा है ये पेज नंबर 6 है। पेज नंबर 5 इसी का एक्सप्लेनेशन है। तो आप पहले इस पेज को ओपन कीजिए और यहाँ मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये ज्योमेट्री है लॉग पीरियडिक एंटीना की। पहले हम इस ज्योमेट्री को समझेंगे, उसके बाद इसकी वर्किंग पर ध्यान देंगे। अभी आपके सामने ये जो फिगर है, इसका फ्रंट व्यू ये है, यानी कि इस एंटीना को अगर हम सामने से देखेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स हैं। यहाँ जो डिस्प्ले हो रहे हैं ये 10 एलिमेंट्स हैं, टोटल 10 एलिमेंट्स आर हियर। और इन दोनों लाइंस का, ये लाइंस सारी की सारी हमें बाद में रब करनी है। बनाने के बाद आपको अभी जो लाइनें रब करनी है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ देखिए, ये तीन बहुत लाइट लाइन्स हैं, ये तीन लाइनें हैं जो बहुत ही लाइट हैं। सबसे पहले तीन लाइनें हम ड्रॉ करेंगे। ये तीन लाइन ड्रॉ करने के बाद हम ये तीन लाइनें जहाँ मिल रही हैं, जहाँ पे ये एंड हो रही हैं इस पॉइंट पे, यहाँ से हम 2α एंगल लेंगे इनके बीचों बीच से। यानी कि ये जो मिडिल लाइन है, ये इस मिडिल लाइन को रेफरेंस रख के हम α एंगल ऊपर की तरफ और α एंगल नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये टोटल एंगल हो गया ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा। इस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा के बाद ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये भी हमें बाद में रब करनी है। इसको हम रेफरेंस लाइन लेंगे। ये ऊपर का अल्फ़ा एंगल है और ये नीचे का अल्फ़ा एंगल है। ठीक, तो इस तरह ये पूरी हमने ट्रायंगल जैसा शेप बना दिया। अभी आपने जो लाइनें ड्रॉ की हैं वो हैं ये तीन लाइनें और ये दो लाइनें जो एंगल ड्रॉ कर रही हैं। ठीक, इसके बाद हम सबसे पहले एलिमेंट 1 लेंगे। ये एलिमेंट 1 दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट नीचे के अल्फा के एंगल से इस रेफरेंस लाइन तक, लोअर रेफरेंस लाइन, और ऊपर का पार्ट ऊपर के अल्फा एंगल से दिस रेफरेंस लाइन तक। ठीक, इसके बाद एक रैंडम डिस्टेंस लीजिए, जो भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं उस डिस्टेंस से आप ये सेकेंड एलिमेंट बनाएंगे। इसका भी अपर पार्ट यहाँ है और लोअर पार्ट यहाँ है, और रैंडम डिस्टेंस लेते हुए आप 10 एलिमेंट्स बनाएंगे। ठीक, ये बनने के बाद आप यहाँ दो स्ट्रेट लाइन, जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है उस फर्स्ट एलिमेंट में दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों, और ये आपकी फीड लाइन है। यहाँ से फीडिंग स्टार्ट हुई है, हमने एंटीना को यहाँ सप्लाई दिया है एलिमेंट नंबर 1 पर। अब ये सप्लाई एक्सटेंड होगी दूसरे एलिमेंट्स के पास। कैसे होगी? अपर एलिमेंट जो 1 का अपर एलिमेंट है वो 2 के लोअर एलिमेंट को पावर देगा, 2 का लोअर एलिमेंट 3 के अपर एलिमेंट को सिग्नल देगा, 3 का अपर एलिमेंट 4th के लोअर एलिमेंट को सिग्नल देगा, और इस तरह के क्रॉस फीडिंग हम करते जाएंगे अप टू द लास्ट एलिमेंट। इसी तरह फर्स्ट का जो लोअर एलिमेंट है वो 2nd के अपर एलिमेंट को, 2nd का अपर एलिमेंट 3rd के लोअर एलिमेंट को, इस तरह ये क्रॉस फीडिंग होगी अप टू द लास्ट एलिमेंट। इतना होने के बाद अब हमें लाइंस रब करनी है जो रेफरेंस के लिए ली थी। कौन कौन सी रब करेंगे? ये तीनों लाइंस जो स्ट्रेट हैं, ये तीनों रब होंगी। ये जो आपको लाइन दिख रही है एंगल वाली, ये भी रब होगी। तो बचेगा क्या? क्रॉस फीडिंग बचेगी। सारे एलिमेंट्स जो आपको कलरफुल दिख रहे हैं, ब्लू और रेड, ये सारे एलिमेंट्स बचेंगे। ये फीड लाइन बचेगी और 2α एंगल बचेगा। ठीक, ये है ज्योमेट्री लॉग पीरियडिक एंटेना की। इसमें आप ध्यान दीजिए, मैंने कहीं भी आपको एलिमेंट की लेंथ स्पेसिफाई नहीं की है। लॉग पीरियडिक एंटेना इज नॉट लेंथ स्पेसिफाइड एंटेना, इट इज़ एन एंगल स्पेसिफाइड एंटेना, एंड द एंगल आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड, इट इज़ 2α। दिस इज कॉल्ड एज अपेक्स एंगल, एंड द वैल्यू ऑफ दिस अपेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ अल्फा। फाइन, सो whenever an antenna is length independent or whenever an antenna is angle dependent, it will be a frequency independent antenna. जब भी कोई antenna angle से specified किया जाएगा वो frequency independent रहेगा, और जब भी कोई antenna length से specify किया जाएगा वो frequency dependent रहेगा। जैसे कि हमारा यागी उड़ा antenna है जो लेंथ ओरिएंटेड है, लैम्डा बाय 2 लेंथ रखते हैं उसके एक्टिव एलिमेंट की। सिमिलरली
फोल्डेड डाइपोल है, ये भी लेंथ स्पेसिफाइड है, लेमड़ा बाय टू लेंथ रहती है इसकी भी, पर यहाँ हमने लेमड़ा की बात की ही नहीं है। और दिस एंटीना इज एन अरे। अरे क्यों है? क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज अ सप्लाई, हर एलिमेंट को सप्लाई मिला है, इसलिए यह एंटीना का अरे है। फाइन, तो ये है इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ी देर बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, इसके आगे की बात करेंगे।